भाजपा सांसद रमेश बिंद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर सांसद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सांसद को ये धमकी फोन पर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के आसियाना थाने में FIR दर्ज कराई है। सांसद का कहना है कि 20 वर्षों की राजनीतिक सफर में उन्हें पहली बार इस तरह की धमकी मिली है। मैं अपने रूम पे था और लखनऊ में, और लगभग 8:15 बजे फोन आया और मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में लगभग 20 साल हो गया पॉलिटिक्स, ऐसा फोन कभी नहीं आया था। असंसदीय अमर्यादित ढंग से, जी ढंग से बदतमीजी, गाली गलौज के तरीके से बात किया। फिर मैं उसकी भावना को समझ गया और उस टेलीफोन को मैंने काट दिया। फिर इसके बाद तुरंत दोबारा फोन आया 1 मिनट के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रिसीव किया तो उसने यही बात कहा कि साले मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। तो उन्होंने अपना जो डिमांड किया, अपना पैसे का डिमांड किया, ना देने पर मेरा, मेरे लड़के का अपहरण करने के बाद हत्या कर देंगे, इसी ढंग से उसने फिर किया। फिर मैंने टेलीफोन काट दिया, मैंने यह कर काट दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे से 10 लाख। इसमें क्लियर है, मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया था यहाँ के, उस समय ट्रेस हुआ था, तो उस इस समय उसका जो ID बता रहा है वो इलाहाबाद है और वो इस समय गोवा में है। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है और कहां मुकदमा? कुछ नहीं, अभी तो उसको गिरफ्तार प्रशासन खुद ही कर रही है, तो खुद ही पूरा मामला सामने आ जाएगा। मुकदमा में दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है नाम क्या है उस आदमी का। कुछ अभी तो उसका नाम कैसे कोई बता पाएगा, जब उसको गिरफ्तारी हो जाएगी 1-2 दिन में खुद पता चल जाएगा। क्या लगता है, आप सांसद हैं यहाँ के, उस पर इस तरीके से आपको धमकी मिल रही है, तो कानून व्यवस्था? कुछ नहीं, कानून ये तो आज ये जो आज के डेट में गुंडा बदमाश हैं, जान रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है और प्रशासन इसमें एक्शन लेगा, खुद गिरफ्तारी हो जाएगी। और कोई इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद आशियाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सांसद को जिस नंबर से फोन किया गया था उस नंबर को फिलहाल सर्विलांस पर रखा गया है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है कि वो कौन से लोग हैं जो सांसद से दुश्मनी रखते हैं। पंजाब केसरी के लिए भदोही से महेश की रिपोर्ट।